किराना दुकान को शुरू करने के लिए हमारे पास कितना बजट होना चाहिए? क्या कम पैसे में किराना दुकान शुरू कर सकते हैं? अच्छी किराना दुकान कम पैसे में कैसे शुरू करें? आपके इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो है एडीबी मास्टर प्लान यानी कि किराना दुकान बिजनेस मास्टर प्लान की सीरीज का पार्ट टू वीडियो है। पार्ट वन वीडियो पहले से ही इस चैनल पे जाके अपलोड कर दिया गया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि पार्ट वन वीडियो में हमने किराना दुकान के लिए अच्छी से अच्छी लोकेशन यानी कि जगह के बारे में बताया है, जगह पे आपको अपनी किराना दुकान की शुरुआत करनी चाहिए। आज की वीडियो में हम आपको किराना दुकान का बजट यानी कि किराना दुकान में लगने वाले इन्वेस्टमेंट में कितना रुपए कहां पे खर्चा करना है, इस चीजों के बारे में हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी और वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो क्योंकि यहां पे आपको जल्दी अपडेट्स मिलते हैं। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके से बताने वाला हूँ। देखो, आप में से काफी सारे लोगों का अच्छा खासा बजट होगा, ठीक है, और आप में से काफी सारे लोगों का बजट थोड़ा कम होगा, यानी कि कम बजट में आप किराना दुकान कैसे शुरू कर सकते हैं, और जिनके पास मतलब काफी अच्छा बजट है वो कैसे अपनी किराना दुकान की शुरुआत करेंगे, उनको कितना खर्चा करना पड़ेगा, और जिनका कम बजट है वो किस हिसाब से खर्चा करना पड़ेगा, इन सभी चीजों की जानकारी मिलेगी। ठीक है, ये शुरू से शुरू करते हैं। तो भाई किराना दुकान को शुरू करने के लिए मेजरली छह तरह के खर्चे होते हैं, ठीक है, जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका अच्छा खासा बजट है तब आपको ये छह तरीके के खर्चे करने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं कि भैया आप किस जगह पर दुकान खोल रहे हो। मान लीजिए आप किसी पब्लिक वाले एरिया में दुकान खोल रहे हो और उस जगह में आपकी खुद की दुकान है, तब तो वो एक आपका प्लस पॉइंट हो जाता है। ठीक है, वहां पे आप अपने पैसे की बचत करते हो। लेकिन वहीं इसका उल्टा होता है कि अगर आपने लोकेशन ढूंढी, एक अच्छी सी लोकेशन आपको मिली और वहां पे आप अपनी दुकान की शुरुआत करना चाहते हो, और वहीं उसी जगह पे आपकी खुद की दुकान नहीं है, आपको वहां पे दुकान रेंट पे लेनी पड़ेगी। तो रेंट पे लेने का मतलब है कि उस दुकान का किराया मैक्सिमम कह सकते हैं कि 5,000 से लेकर के 20,000 के बीच में होगा। अब वैसे आपके एरिया में दुकान का क्या मतलब किराए की दुकान का क्या रेट है कमेंट में जरूर देगा, क्योंकि भाई अलग अलग जगह में ना मतलब जैसे कोई एरिया होता है जहां पर कुछ ज्यादा पब्लिक रहती है और कुछ एरिया में कम पब्लिक रहती है, तो उस हिसाब से किराया भी भाई कम बढ़ जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले खर्चा आपका यही निकल गया कि दुकान का किराया, ठीक है, जो कि भाई 5,000 से लेकर के 20,000 के बीच में होगा। ठीक है, ये किराया आप दोगे, और भाई स्टार्टिंग के टाइम ना आपको दुकान का किराया 3 महीने या 4 महीने का एडवांस में दे करके रखना है। ठीक है, और भैया मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि इस जगह पे कंफर्मेशन मेरी दुकान अच्छी चलेगी तो आपको 1 साल का एग्रीमेंट भी करवा लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे में क्या है, मकान मतलब जिसकी वो जमीन होती है वो चाहे तो आपकी दुकान भी खाली नहीं करवा सकता, अगर आपने एग्रीमेंट करवा करके रखा होगा तो। आपको ऐसा लग रहा है कि यार चले ना चले कोई पता नहीं है, इसलिए आप मतलब एडवांस में 2 से 3 महीने का जो रेंट है यानी कि जो किराया है दुकान का वो पहले से ही उस मालिक को दे दीजिए। तो ये आपका पहला खर्चा हो गया। उसके बाद भाई जो दूसरा आता है वो है भाई दुकान का इंटीरियर यानी कि दुकान में फर्नीचर का काम। देखो भाई, आपने दुकान सेलेक्ट कर ली, ठीक है, जगह भी सेलेक्ट कर ली, अब उसमें आप लगवाओगे क्या फर्नीचर। देखो भाई, फर्नीचर भी दो क्वालिटी में आता है, एक वो लकड़ी वाला रेक, ठीक है, और एक जो मॉडर्न तरीके का कुछ इस तरीके का जो रेक होता है वो अपनी चॉइस के हिसाब से कोई सा भी रेक लगवा सकते हो। ठीक है, अब भाई रेक लगवाने का खर्चा मैक्सिमम मान सकते हैं 10,000 से लेकर के 25,000 के बीच में। अगर आप चाहो तो मतलब इंटीरियर चाहो तो और अच्छा लगवाना चाहते हो तो हो सकता है कि भाई ये 40-45,000 तक भी चला जाए, लेकिन मैं आपको एक एवरेज अमाउंट निकाल के बताया हूँ कि 10,000 से लेकर के 25,000 के बीच में मतलब अच्छा खासा इंटीरियर जो है वो किराना दुकान का बन करके तैयार हो जाता है। उसके बाद भाई जो तीसरा खर्चा आता है, भाई आपको अपनी दुकान में बिजली का कनेक्शन तो करवाना ही होगा। ठीक है, देखो भाई, आप में से काफी सारे लोगों को मान लीजिए किराए पे दुकान मिलेगी तो हो सकता है पहले से ही उसमें मीटर लगा हुआ होगा, या फिर आप में से काफी सारे लोगों को ऐसी दुकानें मिलेंगी जहां पे पहले से ही बिजली का कनेक्शन ही नहीं होगा। तो आपको अगर मान लीजिए ऐसी दुकान मिलती है जहां पे बिजली का कनेक्शन है ही नहीं और आपको अपनी किराना दुकान की शुरुआत करनी है, तो भैया बिजली का कनेक्शन आपको अपने दुकान में लेना ही पड़ेगा, जिसके लिए मैक्सिमम मान सकते हैं कि आप अपने दुकान में मीटर लगवाओगे, लाइट लगवाओगे, पंखा लगवाओगे। ठीक है, तो इन सबका ऑन एन एवरेज देखा जाए तो खर्चा 3,000 से लेकर 6,000 के बीच में आएगा। उसके बाद भाई जो चौथे नंबर का खर्चा आता है वो आता है भाई कि भाई दुकान में जरूरी बहुत जरूरी काम आने वाली चीजें। देखो भाई, किराना दुकान को शुरू करते टाइम आपको अपने दुकान में कुछ सामानों को है जो कि आपको किराना दुकान को शुरू करने से पहले ही ला करके रखना होता है। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको एक डिटेल वीडियो देने वाला हूं कि किराना दुकान में कौन से ऐसे सामान होते हैं जो कि आपके दुकान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर भी एक वीडियो आने वाली है, तो मैं आपको यहां पे उसका ऑन एन एवरेज खर्चा बता देता हूं कि किराना दुकान में कुछ जरूरी काम आने वाली चीजें जिसका मैक्सिमम आपके दुकान पर खर्चा होगा 7,000 से 18,000 के बीच में। ठीक है, अब तक भाई आपने 4 तरीके के खर्चे कर चुके हैं। ठीक है, अब मेन बात आती है कि आपको अपने दुकान में भरना है सामान। ठीक है, सामान को भरने के लिए आपको मैक्सिमम 35,000 से लेकर के 70,000 का खर्चा करना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको अपने दुकान में 35,000 से लेकर के 70,000 का सामान रखना पड़ेगा। आप चाहो तो इसे बढ़ा घटा भी सकते हो आप अपने हिसाब से। ठीक है, मैं इसको एक एवरेज तरीके से कैलकुलेट करके बताया हूं। उसके बाद भाई जो छठे नंबर का खर्चा है वो भाई आप चाहो तो ये आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन भाई मेरी मानो तो आपको ये जो छठे नंबर का जो खर्चा बताने वाला हूं ना, ये खर्चा आपको जरूर करना है। देखो भाई, आप अब तक आपने 5 तरीके के खर्चे कर दिए, लेकिन जो छठे तरीके का खर्चा है इसको कहते हैं सेविंग। ठीक है, मतलब आपका जो बजट था उसमें से आपको कुछ रुपए बचा करके रखने हैं। ठीक है, जैसे कि ये छठा पॉइंट यही है कि मान लीजिए आपने मतलब जितना खर्चा मैंने बताया उतना खर्चा आपने कर दिया। ठीक है, 1 रुपए का सामान खरीदना था आपने, उतने 1 रुपए का सामान भी खरीद लिया, लेकिन उतने ही आपके बजट में से आपको कुछ रुपए मतलब कह सकते हैं कि 12,000 से लेकर के 16,000 के बीच में आपको रोक करके रखने हैं। क्योंकि ऐसे में क्या है, जब आपके दुकान पे कभी कभी पैसा कम पड़ने लगेगा ना शुरुआती दिनों में, मैं शुरुआती दिनों के बाद के दिनों की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए आपने किराना दुकान शुरू की 1-2 महीने के बीच में, कभी भी ऐसा होगा कि मतलब गले में जो है वो पैसा कम पड़ने लगेगा, तो ऐसे में क्या
है, ये जो पैसा रहेगा ना आपके पास, ये उस दुकान को ग्रो करने में सपोर्ट करेगा, क्योंकि यही पैसा आपकी दुकान में और ज्यादा सामान बनने में काम आएगा। ये छठे नंबर का खर्चा आपकी एक सेविंग हो जाएगी, ठीक है, आपके बजट से निकाली हुई सेविंग, जो कि आपको आगे दुकान अपनी बढ़ाने में काम आएगा। उसके बाद भाई अगर टोटल मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि कितना खर्चा निकल के आया जिसके पास अच्छा खासा बजट था अपनी किराना दुकान को शुरू करने का, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि दुकान का किराया, तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो दुकान का किराया मान लेते हैं कि 10,000 रुपए है, ठीक है, प्लस ऊपर दूसरा खर्चा मैंने आपको बताया कि दुकान का इंटीरियर, ठीक है, तो मान लीजिए आपने दुकान का इंटीरियर लगवाया है 13,000 रुपए। उसके बाद भाई मैंने तीसरे नंबर का खर्चा बताया था कि बिजली का काम, यानी कि आपके दुकान में अगर बिजली का काम है तो यहाँ पे ये खर्चा माइनस हो जाता है। अगर बिजली का काम आपको लगवाना पड़ेगा, मीटर लगवाना पड़ेगा, पंखा लगवाना पड़ेगा, ठीक है, कनेक्शन करवाना पड़ेगा, तो भैया इसमें आपका मैक्सिमम मान लेते हैं कि 4,000 का खर्चा होगा, ठीक है। उसके बाद भाई मैंने आपको बताया कि दुकान में बहुत जरूरी काम आने वाले सामान, ठीक है, जिसको कि आपको मैक्सिमम कह सकते हैं कि आप उसमें 15,000 रुपए का खर्चा करते हैं, ठीक है, तो ये जोड़ने के बाद उसके बाद आप मान लीजिए दुकान का सामान खरीदे, ठीक है, तो मतलब मैंने आपको एक प्राइस का बजट बताया था कि आप मान लीजिए 35,000 से लेकर 70,000 के बीच में सामान खरीद रहे हैं, आप चाहें तो उसे बढ़ा घटा भी सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपने एवरेज सेलेक्ट किया कि भैया मैं 55,000 का सामान खरीदूंगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 55,000 जोड़ दिया। उसके बाद भाई 12,000 आपने मतलब जो सेविंग करी थी आपके बजट से, वो सेविंग यहाँ पे जोड़ दिया, तो भैया यहाँ पे टोटल निकल करके आ रहा है 1,09,000। यानी कि भाई यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि भैया अगर आपके पास एक अच्छा खासा बजट है तो अच्छे खासे बजट में भी एक किराना दुकान को शुरू करने के लिए पूरा 1,09,000 का खर्चा आ रहा है। अब भाई इस खर्चे में आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आपको किराना दुकान 1,10,000 के अंदर शुरू करना है, आप चाहे तो इसे मतलब 1.5 लाख या फिर 2.5 लाख या फिर 3 लाख से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर एवरेज कैलकुलेशन के हिसाब से बताया है। तो भाई अब हम बात करते हैं, आप लोगों में से काफी सारे लोगों का बहुत ज्यादा कम बजट होगा, ठीक है, तो जिनके पास बहुत कम पैसा है वो अपने कम पैसे से ही अपनी किराना दुकान की शुरुआत करने चाहते हैं, तो इसके बारे में आपको अभी बताने वाला हूं। देखो भाई अगर आपके पास कम बजट है ना, तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं अपनी खुद की दुकान किराना दुकान को शुरू करने के लिए, ठीक है, जिसमें से भाई जो दूसरा टॉपिक है उसमें आपको ज्यादा सामान भी नहीं किराना दुकान का रखना है, उसमें सिर्फ मैक्सिमम जो मेजर सामान होता है वही सामान आपको रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको आपके पास अगर कम बजट है तो आप अपनी दुकान अपने घर से ही शुरू कर सकते हो, ठीक है, और दूसरा जो ऑप्शन है वो आता है कि भाई आप अपनी मतलब एक परचून की दुकान शुरू कर सकते हो। अब अगर आप अपने घर में दुकान खोलोगे तो उसमें भाई आपका किराया बच गया, ठीक है, और वहीं पर भाई अगर आप अपनी परचून की दुकान शुरू करोगे, परचून की दुकान शुरू करने का मतलब है आपके मतलब आप जिस भी जगह पे रहते हो उस जगह के मतलब थोड़ी दूरी पे कोई ना कोई मुख्य चौक चौराहा जरूर होगा, तो ऐसी जगहों पे आपको अपनी परचून की दुकान शुरू करनी है। मतलब आप में से काफी सारे लोग नहीं समझ पाए होंगे, तो मैं एक सिंपल से हिंदी भाषा में बता देता हूँ कि पान मसाला की दुकान, ठीक है, मतलब आपने सड़क किनारे देखा होगा ना जो मतलब गुमटी खोल के बैठे रहते हैं, उस दुकान को कहते हैं कि भाई पान मसाला की दुकान, या फिर बहुत से लोग उसे परचून की दुकान भी कहते हैं, फिर बहुत से लोग उसे पान की दुकान भी कहते हैं। लेकिन भाई आप अपने दुकान में पान तो बेचोगे नहीं, क्योंकि भाई पान बेचने के लिए आपको पान बनाना भी तो आता चाहिए, लेकिन भाई आप पान नहीं बेचोगे, आप एक परचून की दुकान खोलोगे, यानी कि सिर्फ आप उसमें पान मसाला बीड़ी सिगरेट यही सारी चीजें बेचोगे। अभी मैं आपको इस चीज का भी हिसाब देने वाला हूं कि अगर आप अपने घर में किराना दुकान की शुरुआत करते हो तो कितना खर्चा आएगा, और वहीं अगर आप किसी मुख्य चौक चौराहे पे अपने मतलब आप जिस लोकेशन में रहते हो या फिर जिस एरिया में रहते हो उस एरिया से थोड़ी दूरी पे कोई मुख्य चौक चौराहा होगा, ऐसी जगह पे अगर आप अपने परचून की दुकान शुरू करते हो तो उसमें आपका कितना खर्चा आएगा, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप अपनी दुकान को घर से ही शुरू कर रहे हो तो आपका कितना खर्चा आएगा। भाई आप अपनी दुकान को घर से ही शुरू कर रहे हो तो उसमें आपको क्या है, अपने दुकान में कुछ दुकान के जो जरूरी काम आने वाली चीजें हैं उस चीजों को तो जरूर खरीदना पड़ेगा, जिसमें कि आपका मैक्सिमम मान सकते हैं कि 4,000 से लेकर के 6,000 के बीच में खर्चा आएगा, ठीक है। उसके बाद है जो दूसरे नंबर का खर्चा है, आप अपने घर में ही दुकान शुरू कर रहे हैं तो भैया आप अपने दुकान जिस जगह पे शुरू करते हैं, मान लीजिए आप घर के मतलब जहां पे मेन गेट होता है उसी के आसपास शुरू कर रहे हैं, तो भैया वहां पे अगर खाली जगह है तो आप चाहो तो वहां पे रेक भी लगवा सकते हो, रेक लगवाने का जो खर्चा रहेगा वो मैक्सिमम आप मान सकते हो कि 5,000 से लेकर के 7,000 का खर्चा रहेगा, ठीक है। अगर आप घर में किराना दुकान की शुरुआत कर रहे हो उसमें जगह है तब आप रेक लगवा सकते हो, अगर आपके घर में जगह नहीं है मतलब आप बिना रेक के भी काम अपनी चला सकते हो, तो मान लीजिए आप तो मान लेते हैं कि आपकी दुकान में थोड़ी बहुत जगह है जिसमें कि आप मतलब एक लुक दिखा सको कि हाँ ये किराना दुकान है, तो आपको रेक जरूर लगवाना पड़ेगा, जिसमें कि रेक लगवाने का खर्चा मान सकते हैं कि 5,000 से लेकर के 7,000 के बीच में आएगा, ठीक है। उसके बाद जो मेन टॉपिक आता है वो है सामान, ठीक है। मान लीजिए आपने दुकान का सारा चीज लुक बना दिया कि हाँ ये दुकान है, अब उसको आपको अपने दुकान में सामान भरना है, तो सामान भरने के लिए आपके पास बजट तक कम तो आप मैक्सिमम मान सकते हैं कि आप 15,000 से लेकर के 35,000 के बीच का सामान मतलब खरीद सकते हैं आप अपनी किराना दुकान के लिए, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, आपकी खुद की किराना दुकान आपके घर में ही बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। इन सभी खर्चे को मैं आपको एक टोटल राउंड फिगर में बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप अपने दुकान में जरूरी काम आने वाली चीजें खरीदोगे, जिसको कि मान लेते हैं कि आपने 5,000 का सामान खरीदा, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं कि आपने अपने दुकान के लिए मतलब दुकान का लुक दिखाने के लिए एक लकड़ी का रेक भी बनवाया, थोड़ा सा ज्यादा सा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा रेक बनाने के लिए आपने मैक्सिमम 5,000 रुपए खर्चा किया, ठीक है। उसके बाद आपने अपने दुकान में सामान भरा, अब सामान भरने का मतलब है कि मैंने आपको बताया था कि आप 15,000 से लेकर के 35,000 के बीच में सामान भर सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए आपने 30,000 का सामान खरीदा, किराना दुकान का आपने सिर्फ 25,000 का सामान खरीदा, तो सारा चीज टोटल करने के बाद आपकी किराना दुकान आपके घर में ही
35,000 रुपए में शुरू हो रही है। तो इस तरीके से देखा जाए आप कम बजट में ही अपनी किराना दुकान की शुरुआत अपने घर से ही कर सकते हो। अब भाई आप में से काफी सारे लोगों का ये सवाल होगा कि भाई हमारा बजट तो कम है लेकिन हम अपनी दुकान को घर से नहीं शुरू करना चाहते, तो आपके लिए भाई दूसरा ऑप्शन आता है कि आप अपने घर के आसपास के किसी मुख्य मेन चौक चौराहे पे किसी कोने पे किराना मतलब एक परचून की दुकान शुरू कर सकते हो। ठीक है, परचून की दुकान को शुरू करने के लिए सबसे पहली चीज आती है कि वो आपको अपने दुकान मतलब जिस पे जिस जगह पे आप बैठोगे उस जगह के लिए आपको एक गुमटी बनवाना पड़ेगा। ठीक है, गुमटी भाई दो तरीके से बनती है, एक लकड़ी वाली और एक लोहे वाली। ठीक है, तो मैक्सिमम मैं आपको जोड़ करके बता देता हूँ कि अगर लोहे की या लकड़ी की गुमटी बनवाते हो तो उसमें आप मैं दोनों का जोड़ करके बता रहा हूँ कि 7,000 से लेकर 20,000 का खर्चा हो सकता है आए। ठीक है, अगर आप लकड़ी की गुमटी लेते हो तो हो सकता है आपका कम में ही निपट जाएगा, वहीं अगर आप लोहे की गुमटी लेते हो तो नहीं उसमें आपका खर्चा जो है वो ऑन एवरेज थोड़ा बढ़ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा खर्चा आता है वो है भाई आपका सामान। ठीक है, मान लीजिए आपने गुमटी खरीद ली, उसके बाद आपको गुमटी ले जाकर के उस जगह पे रखवाना है जिस जगह पे आपको अपनी किराना दुकान की शुरुआत करनी है। जैसे मान लीजिए आप किसी मुख्य मेन चौक चौराहे पर अपनी दुकान की शुरुआत करना चाहते हो तो उस चौक चौराहे की जगह पर आपको एक जगह सेलेक्ट करनी है कि हाँ इस जगह पे हमें अपनी दुकान की शुरुआत करनी है, तो उस जगह पे आपको अपनी वो गुमटी को उठवा करके वहां रखवाना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका दूसरा काम रहता है कि आपको अपने दुकान में भरने के लिए सामान खरीदना है, तो दुकान में भरने के लिए आप सामान हम कह सकते हैं कि 10,000 से लेकर 20,000 के बीच का ही सामान खरीद सकते हो, क्योंकि भाई ऐसे में क्या है आपकी दुकान में ज्यादा सामान नहीं रहेगा, सिर्फ तमाकू से रिलेटेड जैसे कि बीड़ी सिगरेट पान मसाला और थोड़ी बहुत टॉफी पानी की बोतल, ये सारी चीजें जो है वो आप खरीद के रख सकते हो अपनी परचून की दुकान के लिए। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है आप अपनी दुकान में सिर्फ पान मसाला ही बेचोगे, भाई ज्यादातर चौक चौराहे पे ज्यादा बिकते हैं। अब मैं आपको एक पूरा टोटल खर्चा बता देता हूँ कि अगर आप परचून की दुकान शुरू करते हो तो आपको कितना खर्चा आएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको एक लकड़ी की गुमटी या फिर लोहे की गुमटी खरीदनी है या फिर बनवानी है, तो मान लेते हैं कि आपने उसमें 10,000 का खर्चा किया। ठीक है, तो 10,000 का खर्चा आपका यहाँ हो गया। ठीक है, गुमटी बनवाने में, उसके बाद आपने मतलब आपने दुकान के लिए मैंने आपको बताया था कि आप 10,000 से लेकर 20,000 के बीच का सामान खरीद सकते हो, तो मान लीजिए आपने 15,000 का सामान खरीदा तो 15,000 ये ऊपर से 10,000 की गुमटी, तो आपका सिर्फ 25,000 में आपकी दुकान की शुरुआत हो गई। ठीक है, कि भाई आपके कम बजट में ही आपकी खुद की परचून की दुकान की शुरुआत हो गई। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी और वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।